Fine. So now it's a time to talk about the VSEPR principle, valence electron pair repulsion. इन दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हमने बहुत कुछ देख लिया. हमने ये देख लिया कि भाई एटम क्यों कंबाइन होते हैं, कंबाइन होंगे तो कितने टाइप के बॉन्ड बनेंगे, दैट इज आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, देन वी हैव ऑल्सो सीन इफ देर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, देर कैन बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वट इज द पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ऑल दिस थिंग्स वी हैव सीन. बट टिल नाउ वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट द हाउ द एटम्स आर गोइंग टू अरेंज इन द मॉलिक्यूल. दैट मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर एटम का अरेंजमेंट किस शेप में होगा, राइट? व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट थिंग्स वी हैव नॉट डिस्कस्ड टिल नाउ. और सबसे पहला अटेम्प्ट ज्योमेट्री समझाने का किया गया था इन द प्रिंसिपल कॉल्ड एज VSEPR प्रिंसिपल, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी VSEPR. This theory was given by the scientist Sidgwick and Powell. Who gave this theory? It was given by the Sidgwick and Powell, and it was the first attempt to decide the or predict the shape of molecule. Okay? चलिए बच्चों, किसके ऊपर based था? So this theory was based, जैसे उसके नाम में लिखा है, repulsion between the electron. राइट, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, हमें पता है भाई दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्ट लेते हैं जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेते हैं वो लोन पेयर बनाते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं. ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग पेयर है और लोन पेयर है उनके बीच में जो रिपल्शन होगा ना, वो रिपल्शन डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप क्या होगा. राइट, सो रिपल्शन इज द इंपॉर्टेंट टर्म. रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड के मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा. ठीक है, चलिए. एंड दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम. ओके, चलिए बच्चों, तो वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल का शेप क्या रहने वाला है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टुलेट्स. स्टेप बाय स्टेप पोस्टुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है. सबसे पहला पोस्टुलेट यही कहता है भाई कि शेप डिसाइड करेगा रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर. इसमें दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, लोन एंड बॉन्डिंग. देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कंबाइनिंग ऑफ बॉन्डिंग एंड लोन पेयर. ओके फाइन, बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर को मिला के जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगी वो डिसाइड करेगी कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होने वाला है. चलिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, एंड वी नो दैट लाइक चार्जेस विल ऑलवेज रिपेल. तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं. चलिए, अब मॉलिक्यूल को अगर स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब रिपल्शन जितना बने उतना कम हो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, राइट? तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर खुद ही कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को इस तरह से अरेंज किया जाए ताकि रिपल्शन सबसे कम रहे. देखो बच्चों, पॉइंट क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज इन अ स्पेस टू मिनिमाइज द रिपल्शन. इलेक्ट्रॉन पेयर विल अरेंज इन अ शेप टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड हैंस टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस. तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर, वो इस तरह से एक दूसरे से दूर दूर अरेंज होंगे ताकि रिपल्शन कम हो, क्योंकि जितना रिपल्शन कम होगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगा. ओके चलिए, अब जो आपका वैलेंस शेल है, वैलेंस मतलब सबसे बाहर का जो शेल है, राइट, वो सबसे बाहर के शेल को हम एज्यूम करेंगे कि वो स्फीयर है, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर रहेगा. देखिए बच्चों, क्या है वो वैलेंस शेल जो है, राइट, इट इज टेकन एज अ स्फीयर एंड विच हैज द इलेक्ट्रॉन पेयर एट द सरफेस एंड दैट विल बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस. राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सरफेस पे रहेगा एंड दैट टू एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, चलिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि देयर इज मल्टीपल बॉन्ड, दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड. तो आपको इस प्रिंसिपल के अंदर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको आपको सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है. राइट, और जितने भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो बॉन्ड है तो चार इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन बॉन्ड है तो छह इलेक्ट्रॉन होंगे, बट वी हैव टू एज्यूम देयर इज ओनली अ सिंगल बॉन्ड. भले डबल बॉन्ड बन रहा है बट हमें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही कंसिडर करना है, और एक से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा बीच में उसको हम कंसिडर करेंगे सिंगल सुपर पेयर. ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि चलिए, अगर रेजोनेंस बन रहा है तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, और जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे तब भी आप किसी भी एक स्ट्रक्चर को ये VSEPR प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो. सो व्हेन देयर आर टू और मोर स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, VSEPR इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर.
चलिए बच्चों, सारा जो खेल है ना वो यहां पर है, सारा जो खेल है वो यहां पर है, ऑर्डर ऑफ द रिपल्शन. राइट, एज वी हैव डिस्कस्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. एक होता है लोन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दूसरा होता है बॉन्डिंग पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है. राइट, रूल ये कहता है कि जो लोन पेयर होंगे ना वो एक दूसरे को सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे. तो रिपल्शन का ऑर्डर देखोगे ना तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा बच्चों बिटवीन लोन पेयर, दिस इज एल. सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे दो लोन पेयर, उसके बाद रिपल्शन होगा बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर, और सबसे कम रिपल्शन होगा बिटवीन बॉन्डिंग पेयर. राइट, सबसे ज्यादा एक दूसरे को कौन रिपेल करेगा भाई? सबसे ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेगा लोन पेयर. अगर दो लोन पेयर हुआ ना तो एक दूसरे को बहुत रिपेल करेगा, अगर दो बॉन्डिंग पेयर हुआ तो एक दूसरे को सबसे कम रिपेल करेगा. ठीक है, रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है कि लोन पेयर उसने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया नहीं है. अगर बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया होता तो किसी और के साथ शेयर हो जाता और एटम से दूर निकल जाता, बराबर. बट लोन पेयर ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं है. अगर पार्टिसिपेट नहीं किया उसका मतलब वो एटम के बहुत ही पास में रहने वाला है, मतलब एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस तो वही ऑक्यूपाई कर लेगा. और अगर ये लोन पेयर एक दूसरे के पास पास रहने वाला है तो पास पास रहने से क्या होगा भाई? रिपल्शन होने वाला है, वेरी ऑब्वियस. राइट, ओके. सो देखिए बच्चों रीजन क्या है वो, एज अ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन एटम, राइट, दे विल क्रिएट द मैक्सिमम रिपल्शन. एंड हैंस जो आइडियल शेप होना चाहिए ना मोलेक्यूल का, जो मोलेक्यूल का आइडियल शेप होना चाहिए ना, वो डिस्टॉर्ट हो जाने वाला है. क्या होगा बच्चों? वो आइडियल शेप खराब हो जाएगा. वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग्स. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द सक्सेस ऑफ दिस वीएसपीआर प्रिंसिपल. द सक्सेस इज इट प्रिडिक्ट द शेप एक्यूरेटली ऑफ द कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक. पी ब्लॉक के जो भी कंपाउंड बनेंगे उसका ज्योमेट्री या शेप हम एक्यूरेटली डिसाइड करेंगे. एंड ऑल्सो वी कैन डिसाइड द शेप ऑफ द मोलेक्यूल्स इन विच द एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस. अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, वहाँ पे भी हम इजीली शेप को डिसाइड कर सकते हैं बाय दिस प्रिंसिपल. चलिए कॉपी करिए इसको क्विकली.